हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। ये सोनिया वीडियो देखती हुई पूरा टाइम ये फोन पर ही लगी रहती है, जब तक ये ऑफिस के लिए रेडी नहीं होती तब तक। रात को 2-3 बजे घर पे आ जाती है। बस ये तो लेटे ही रहेंगे। ये तो लेटे ही रहेंगे, कोई काम धंधा करते नहीं है। एसी चालू हो गया और ये लेट गए। मैं अपने डेली रूटीन में चालू हो गई हूँ। अब मैं सोनिया के लिए टिफिन बना रही हूँ। ये नाश्ते के लिए मैं चने बना के दे रही हूँ। वैसे कभी कभी मैं नाश्ते में ब्रेड बटर ब्रेड जाम ये भी देती हूँ उसको। टिफिन तो देती हूँ डिनर उसका, लेकिन कभी कभी ये सब भी दे देती हूँ। तो आज चने उबाल दिए थे, अभी मैं ये चने जीरा डाला है पहले और उसके बाद चने डाले कढ़ाई में। अब मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। पहले मैंने उबालते टाइम थोड़ा सा नमक डाला था। टमाटर प्याज काट के डालूंगी। इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर, आप आमचूर पाउडर डालिए या चाट मसाला डालिए। नमक मिर्ची धनिया पाउडर और गरम मसाला ये सब डालिए और चाट मसाला भी। ये मैंने धनिया पाउडर डाला है, गरम मसाला, ये चाट मसाला है, चाट मसाला भी डालूंगी। आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, नींबू भी डाल सकते हो खाने के टाइम पे। पूरा फ्राई कर दिए। अब मैं इसमें कच्चे ही टमाटर और कच्चे ही प्याज डालूंगी। टमाटर को मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया। टमाटर भी डाल दिए, प्याज भी। इसको एक कुछ सेकंड के लिए ही रखूंगी। ये मैं अभी पनीर बना रही हूँ, पनीर भुर्जी एकदम सिंपल सी, मेरी बेटी को टिफिन में देनी है। पहले मैंने तेल डाला है और जीरा डाला है। ज़्यादा डालूंगी पनीर भुर्जी में। हम लोग ऐसे भी टमाटर वगैरह डाल के बनाते हैं पनीर भुर्जी, तब भी बहुत प्याज डालते हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। ये थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। Thank you.
देखो पूरा बहुत जोरों शोरों से काम चालू है इसका। अभी मैं इधर आया था, मैं बोला चलो फोटो लेता हूँ। बहुत जोरों शोरों से काम चालू है, बहुत जल्दी बन जाएगा। Watching.